देवास शहर में कपड़ा व्यवसायी के पुत्र के विवाह समारोह में भाग लेने आए मेहमानों ने स्वप्रेरित होकर रक्तदान किया। करीब 100 से अधिक मेहमानों ने रक्तदान किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी रही। दरअसल विकास नगर क्षेत्र के स्थित एक होटल में शहर के कपड़ा व्यवसायी अरविंद महाजन के पुत्र का विवाह था, जिसमे वधु पक्ष कोटा से अपनी बिटिया को लेकर देवास आई। वही अरविंद महाजन चूंकि समाज सेवा से भी जुड़े हैं और उनके रिश्तेदार इंदौर में मुस्कान ग्रुप के माध्यम से नेत्र, त्वचा और देहदान जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हैं। वहीं अरविंद महाजन और परिजनों ने इस पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम के अवसर को सामाजिक दायित्व से जोड़ते हुए रक्तदान शिविर की व्यवस्था की। इस रक्तदान के परिवार की सूचना पर इंदौर के एमवा अस्पताल की चलित वेन आज विवाह स्थल पर पहुंची, जिसमें करीब 100 से अधिक मेहमानों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। किस शादी समारोह में आए? ये अनोखा तरीका है जहाँ पे ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है। आप किस पक्ष की तरफ से आप हो? मैं शादी समारोह में आई हूँ महाजन परिवार के थी। फूफा जी मेरे उनके बेटे की क्या मानता है आप? मतलब शादी विवाह में जिस तरह से लोग खर्चा करते हैं और सब करते हैं, लेकिन यहाँ ब्लड डोनेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जरूरतमंदों को भी इससे ब्लड डोनेट देना एक पुण्य का काम है। आप मानते हैं इस तरह का अन्य लोगों को भी करना चाहिए? क्या नाम है आपका? सामाजिक सेवा। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। कहाँ से आप? को लेकर यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया? रक्तदान जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। रक्तदान के बारे में कई लोगों को कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी रहती कि रक्त देने से पता नहीं हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे एक रिलेटिव हैं आदरणीय नरेंद्र जी कश्यप, जिनकी उम्र 60 साल है, वो 86 बार रक्तदान करके आज 87 बार उन्होंने रक्तदान करा है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बी नेगेटिव और उनका जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर केस में मिलता है, बी नेगेटिव है। और मेरे पिताजी भी स्वर्गीय बालमुकुंद जी महाजन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, वो भी ब्लड डोनेशन के लिए उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया, कई लोगों को उन्होंने समाज सुधार के काम किए, कई लोगों को उन्होंने शराब भी छुड़वाई थी। और उसी उन्हीं की प्रेरणा से लेकर के हमने आज ये मेरे पुत्र के विवाह उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित करा है। इसमें MY ब्लड बैंक इंदौर एवं मुस्कान ग्रुप इंदौर का हमें भरपूर सहयोग मिला है। हम उनके हृदय से आभारी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी टीम और ये सामने जो गाड़ी है उन्होंने यहाँ भेजी है। क्या आपने भी आज आपके पुत्र के विवाह अवसर पर ब्लड डोनेट कराए? करेंगे, अभी करेंगे। मेरे को शुगर है इसलिए मैं ब्लड डोनेशन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे पूरे परिवार के सदस्य और सभी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कराया? 50 लोगों की लिस्ट अभी, मतलब 50 लोगों का नाम अभी वापस, मतलब 75 से 80 लोगों का ब्लड डोनेशन की होने की उसमें बढ़ सकते हैं। आपका नाम बताइए? मेरा नाम अरविंद महाजन। आपके पुत्र का नाम क्या? जिसका तन्मय महाजन है, वो CA है और आज इसका विवाह उपलक्ष्य में मैंने कार्यक्रम। उसने भी ब्लड दिया क्या? ब्लड देगा वो। मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी अपील है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि सब जीवन में किसी की जान बचाए, ये बहुत अच्छा कार्य है। भगवान से कम नहीं होता जो भी ब्लड देता है। क्या मानते हैं आज जो आपके पिताजी ने जो इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया है यहाँ पर, उससे आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा बहुत जोश भरा है इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम आएंगे। क्या आप इस आयोजन में ब्लड डोनेट करेंगे? जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए? इतना ही नहीं, मेहमानों को शादी के निमंत्रण में बांटी गई पत्रिका में भी मेहमानों से महाजन परिवार ने रक्तदान करने की अपील कर दी। वहीं खुद दूल्हे तन्मय महाजन भी इस दौरान ब्लड डोनेट किया और इसमें खास बात ये भी देखने को मिली कि परिवार दोस्त के अलावा खाना बनाने वाले कैंटरन ने भी स्वेच्छा पूर्वक रक्तदान किया। इस तरह से ब्लड डोनेट के कार्य को किसी मदद के कार्य का बताते हुए दूल्हे के पिता सहित मेहमानों ने ब्लड डोनेट किया। न्यूज़ इंडिया 9 से एहतेसाम कुरैशी की रिपोर्ट।